अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर यू का इफेक्ट बनाना सीखेंगे। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये किसी भी लोगो के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, वीडियो को आपने लास्ट तक देखना ताकि आपको हर चीज़ की समझ आए। और चैनल के ऊपर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो हैं वो आपको बर वक्त मिलते रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले मैंने एक न्यू मेन कॉम्पोजिशन बनाई है, और अगर मैं आपको इसकी सेटिंग दिखाऊँ तो हमारे पास कंपोजिशन की सेटिंग जो है वो ये 30 फ्रेम्स पे है और ड्यूरेशन 10 सेकंड्स है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास बाकी जो हैं वो दो कंपोजिशन हैं। ठीक है, टेक्स्ट की एक मैंने बना लिया और एक मैप की। मैप क्यों बनाया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, टेक्स्ट को एनिमेट करना है। एनिमेट करने के लिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख लिया, आप कोई भी फॉन्ट वगैरह ले सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने इसकी पोजिशन को ओपन किया, और पोजिशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर एक की फ्रेम लगा दिया। ठीक है, की फ्रेम लगाने के बाद इसको मैं क्या करता हूँ जी, बिल्कुल बाहर ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद मैं तकरीबन 20 फ्रेम के बाद यहाँ पे आता हूँ और इसको जो है वो वापस अपनी जगह पे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास, और तकरीबन 1 सेकंड और 20 फ्रेम के बाद मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ जी, एक और की फ्रेम ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास दोबारा 2 सेकेंड और 20 फ्रेम के बाद मैं इसको यहाँ पर नीचे लेके जा रहा हूँ, तो एनिमेशन हमारे पास कुछ यूं की बनेगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, की फ्रेम इजी ईज या सिंपल F9 प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये इजी ईज हो जाएंगे। इसका ग्राफ एडिटर निकाल लेना आपने, और इसको सिलेक्ट करेंगे आप, आपने क्या करना है इसको थोड़ा सा यहाँ से फास्ट कर देना। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल एनिमेशन जो है वो ये बन गई है। ठीक है, उसके बाद आपने मैप वाली कंपोजिशन के ऊपर आ जाना है, और यहाँ पे एक सॉलिड बना लेनी है ब्लैक कलर की। ठीक है, सॉलिड बनाने के लिए आप राइट क्लिक करके न्यू और सॉलिड के ऊपर भी आ सकते हैं, या सिंपल कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे आपके पास सॉलिड आ जाएगी, ब्लैक सॉलिड। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ इसको ओके कर देता हूँ, मेरे पास एक ब्लैक सॉलिड बन जाएगी। ब्लैक सॉलिड के ऊपर आपने अपने यहाँ से इसके ऊपर फ्रैक्टल नॉइस अप्लाई कर देने। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, तो कुछ क्यों का आपके पास स्क्रीन पे शो होगा। यहाँ से आपने क्या करना है, फ्रैक्टल टाइप के ऊपर इसको मैक्स कर देना है, और यहाँ पे नॉइस टाइप के ऊपर आपने इसको ब्लॉक्स बना देने। ठीक है, ब्लॉक्स के बाद आपने ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टीज इसको ओपन करनी है, और यूनिफॉर्म स्केलिंग को आपने क्या कर देना है, अनचेक कर देना है, और तकरीबन इसको 200 के करीब रख देना है। ठीक है, और हमारे पास विड्थ को और हाइट को जो है वो आपने तकरीबन 600 तक ले। ठीक है, एवोल्यूशन आपने चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल अभी इतना ही रख रहा हूँ इसको। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ यूं की बन चुकी है। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है, मेन कंपोजिशन के ऊपर आना है, प्रोजेक्ट्स के अंदर आके आपने क्या करना है, मैप वाली लेयर को रखना है। ठीक है, नीचे, और टेक्स्ट वाली लेयर को आपने ऊपर रख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास मैप वाली को मैं क्या कर रहा हूँ जी, हाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके तकरीबन यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट जो है वो फुली रिवील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्या अप्लाई करता हूँ, टाइम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टाइम डिस्प्लेसमेंट डबल क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे टाइम डिस्प्लेसमेंट लेयर के ऊपर क्लिक करके आपने इसको मैप कर देना। ठीक है, मैप करने के बाद आपने इसको यहाँ पे तकरीबन 0.8 कर देना आपने। ठीक है, तो कुछ यूं कि हमारे पास जो है वो एनिमेशन बनेगी। ये हमारे पास एनिमेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, ये इससे बचने के लिए कि हमारे पास स्क्रीन पे शुरू में ये शो हो रहे हैं, इसे क्या करेंगे, हम टेक्स्ट के लेयर पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास ये शुरू में ये सब कुछ शो ना हो। ठीक है, अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो
हमारे पास कुछ यूं की एनिमेशन जो है वो बन चुकी है। अब ये बिल्कुल सादी सी लग रही है। अब इसको हम थोड़ा सा कलराइज करते हैं। कलराइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये टेक्स्ट वाली लेयर के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा, कलर ग्रेडियंट, ठीक है, फोर कलर ग्रेडियंट आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है तो अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं लेकर आता हूँ तो आपके पास यहाँ पे ये कलर शो हो रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये फुल रिवील हो गया, ठीक है। ये आपके पास चार पॉइंट शो हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप इसको करीब लेकर आएंगे तो आपके पास ये इसका ग्रेडियंट जो है वो कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। इन पॉइंट्स को क्लिक करना है आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रख के अब आप इनका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। मुझे जो है वो यहाँ पे तकरीबन ये वाला चाहिए, ग्रीन की जगह में मैं करूँगा जी इसको पर्पलिश, ठीक है, हल्का सा लाइट। और उसके बाद मैं यहाँ पे पिंक जो है उसको चेंज करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो हमारे पास कुछ यूं का इफेक्ट जो है वो बन चुका है। आप जो कलर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास चार जो है वो कलर हमने सेट कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो कुछ यूं का हमारे पास क्या होगा, प्ले होके आएगा, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर हम हल्का सा टेक्सचर लाने के लिए क्या करते हैं जी, सीसी बॉल एक्शन इसके ऊपर डबल क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो भी अप्लाई हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से बॉल साइज़ जो है वो मैं क्या करूँगा जी, तकरीबन 50 के करीब, और यहाँ से इसकी ग्रिड स्पेसिंग जो है वो 3 कर दूंगा, ठीक है। अब कुछ यूं का हमारे पास लग रहा है, थोड़ा सा और इसके अंदर जो है वो हमने डिटेल्स ऐड करनी है। अभी यहाँ से हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप ये समझ सकते हैं बॉल्स हमारे पास ज़्यादा रिवील हो रही हैं। अब यहाँ से हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं जी, एको ऐड कर लेनी है आपने, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। डिके जो है वो आप 0.8 कर सकते हैं, 0.8 तक या 0.9 तक कर दें, ठीक है, कुछ यूं का इफेक्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट ऐड करते हैं ताकि हमारे पास ग्लो भी आ सके। तो ये हमारे पास कुछ फाइनल जो है वो रिजल्ट बन चुका है, ठीक है। इसमें मैंने नंबर ऑफ इकोस को जो है वो कम कर दिया काफ़ी। इसमें मैंने नंबर ऑफ इकोस जो हैं वो 5 तक ले आया हूँ, ठीक है। आप अपने मुताबिक जो है वो आपको जहाँ पे बेहतर लगता है वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ये यूं का इफेक्ट जो है वो दे रहा है। अब आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है जी फास्ट बॉक्स ब्लर, ठीक है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ से आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ से आपने इसको वर्टिकल कर देना, ठीक है। और इसका ब्लर रेडियस जो है वो आपने देख लेना है। अब हम क्या करते हैं, इसको इसकी दो डुप्लीकेट ले लेते हैं कंट्रोल डी प्रेस करके, ठीक है। और इनके ऊपर इसका जो है वो इफेक्ट क्या करते हैं जी, हाइड कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, तो कुछ यूं का आपके पास इफेक्ट शो होगा। और इस वाली को हल्का सा आगे कर लेते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसका जो बॉक्सेस की जो है हमारे पास हमने अप्लाई किया हुआ है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं आप, ठीक है। एक्शन बॉल जो हैं वो उसकी बॉल साइज़ तकरीबन आप 10 तक कर सकते हैं, ठीक है, नीचे वाले की, ताकि हमारे पास जो है वो इतना एक टेक्सचर जो है वो एक और भी अच्छा लगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल बनेगी वो ये बनी है हमारे पास।
अभी ये रेंडर सही तरह नहीं हुई इसलिए आपको प्रीव्यू कुछ यूं का आ रहा है। अभी रेंडर हो जाती है, मैं आपको फिर प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम दोबारा प्ले करके देखते हैं फाइनल हमारे पास क्या बनी है। ठीक है, तो कुछ यूं कि आपके पास जो है वो इफेक्ट बना है। तो यहाँ से अगर आपने मजीद टेक्स्ट या कोई भी लोगो वगैरह ऐड करना है वो भी आप कर सकते हैं। टेक्स्ट वाली कंपोजिशन के अंदर आप लोगो को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अगर आपने पीछे बैकग्राउंड में मैप चेंज करना है तो आप मैप को भी और मज़ीद चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एवोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे इसको ही कुछ यहाँ पे लेकर आएँ। ठीक है, तो आप मेन कम्पोजिशन के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या फ़र्क पड़ा है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट वाली लेयर के अंदर दोबारा आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो है वो इसको यू प्रेस करता हूँ। ठीक है, मेरे पास सारे की फ्रेम शो हो गए हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट नीचे मोशन ग्राफिक्स के नाम से लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और टेक्स्ट टूल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, छोटा सा क्या कर लेते हैं, ग्राफिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल जो है वो ये बन गई है। मैंने ग्राफिक्स नीचे छोटा सा ऐड कर लिया, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइनल जो है वो हमारे पास कुछ यूं की ऐड हो गई। ठीक है, आप पीछे से अगर बॉल एक्शन वगैरह ये सब कुछ डिलीट करना चाहते हैं, बेशक आप रेज कर दें, सिंपल भी आप बनाना चाहते हैं। अगर लेट्स सपोज मैं इसको हाइड करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, इसमें से भी और इसमें से भी मैं हाइड करता हूँ इसको, तो हम बना के देखते हैं। तो हुआ क्या, सिर्फ हमारे पास जो टेक्सचर था वो गायब हो गया बस। ठीक है, और कुछ भी नहीं हुआ इसमें। ग्लो का रेडियस थोड़ा सा कम कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम टेक्सचर को गायब करते हैं सिंपल, तो हमारे पास कुछ यूं का इफेक्ट बनता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यूं भी काफ़ी बेहतर लग रहा है, नियॉन टाइप हमारे पास एक जो है वो मोशन ग्राफिक टाइटल आप बना सकते हैं यूं का। ठीक है, अगर आपने टेक्सचर को ऐड करना है तो टेक्सचर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास जो है वो बन चुका है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।